झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक। आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वाच के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल। देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया, क्या कर सकते थे, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक। आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वार्ड के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल। उनको देने होंगे आपको के सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या कर सकते थे, क्या नहीं किया, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए आज हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इसी श्रृंखला में उपस्थित हुई है वार्ड क्रमांक 5 से नगर सेविका अभिरुचि राजगिरी। मैम सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ये बताइए कि अभी वैसे तो चुनाव की घोषणा होने की है, लेकिन ये जो 5 साल थे बहुत ही टफ गए हैं, बिकॉज इसमें से जो 2.5 साल है वो तो कोरोना की भेंट चढ़ गया। कोरोना ऐसी महामारी थी जिससे हर आम इंसान से लेकर खास इंसान भी अछूता नहीं रहा, सभी लोगों को इसकी मार पड़ी है। ऐसे में एक सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं अभिरुचि अहिर राजगिरे प्रभाग क्रमांक 5 की नगर सेविका हूँ। मैम ये बताइए कि इन 5 सालों में क्या क्या आपके वार्ड में जो है वो विकास के काम हुए हैं? तो हमारे प्रभाग में 80% पूरे सीमेंट रोड पूरे हो गए हैं और डांबर रोड भी बनाए हैं हमने, और ऐसे 4 ग्राउंड थे उसको हमने डेवलप किया है, और उसमें वॉल कंपाउंडिंग, तार फेंसिंग और 3 गार्डन ऐसे है जो हमने पूरे पूरे मैदान थे हमने उनको पूरा गार्डन यानी पूरे गार्डन बना के पूरे वहाँ पे बच्चों के लिए हमने खिलौने लगाए हैं, वहाँ पे रबर मैटिंग डाली है। मतलब खाली गार्डन था उसका उपयोग किया आपने और एक डेवलपमेंट के तौर पे जो है आपके परिसर के लोगों के लिए एक अच्छी जगह बना के दी है। पूरा यानी ग्रीन जिम लगाए वहाँ पे और बच्चों के लिए खिलौने खिलौने वगैरह सब रबर मैटिंग वगैरह सब लगा के हमने गार्डन ओके किया है। और एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर के पीछे का एक जो गार्डन है वो गार्डन हमने इतना इतना अच्छा बनाया है कि वो गार्डन की पेपर न्यूज भी हो गई और वहाँ पे उन्होंने शायद एक मूवी भी शूट हुई है, मूवी शूट भी वहाँ पे VR सर्किट करके उसका भी वहाँ पे पूरा प्रमोशन हुआ है वहाँ से। मैम ये बताइए कि हमने कुछ सुना है कि जैसे अंधेरे के समय में स्ट्रीट लाइटें बहुत जल्दी बंद हो जाती है, जैसे कि अभी सर्दी का सीजन है तो दिन छोटा और रात बड़ी होती है, तो मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग जाते हैं तो हमने सुना है कि स्ट्रीट लाइटें जो है वो सुबह 5 बजे बंद हो जाती है जिससे लोगों को अंधेरे का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी कोई समस्या आई है आपके पास? आई थी, लेकिन हमने वो उसका जो टाइमिंग है अच्छा टाइमिंग हमने बढ़ा दिया। अच्छा अच्छा, हाँ बढ़ा दिया। और अभी हमारे जो लोकप्रिय आमदार है जी माननीय कृष्णा जी खोपड़े, उनके माध्यम से उनके निधि से हमारे प्रभाग में अभी 2,26,00,000 के स्ट्रीट लाइट के पोल लगने चालू है। अच्छा, वो काम हमारे प्रभाग में अभी चालू है, अभी उसका उद्घाटन 2-3 दिन में हो जाएगा। मतलब आपके कार्यकाल में जो सबसे बड़ा काम जो है वो स्ट्रीट लाइट की निधि के लिए जो आपने अप्लाई किया था वो मंजूर हो गया। इसके अलावा और कौन से विकास के काम हुए? इसके अलावा हमने जो सीमेंट रोड बनाया है, हाँ तो उसके पहले सीवर लाइन जो वेस्टेज वाटर लाइन जो है वो लाइन डाल के ही हमने वो सब रोड बनाया है, ताकि आगे आगे चल के यानी कोई रोड पे पानी ना जाए, गटर लीकेज का काम, गटर लीकेज ना हो, इसलिए हमने पहले ही वो डाल दिए है। उस एरिया में जो है वो एक्सीडेंट के भी बहुत खतरे होते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि जगह जगह वहां पर गड्ढे हैं, तो अभी वो पैचेस का भी काम किया है। अभी ज्यादातर नहीं है, लेकिन अभी मैक्सिमम वो पूरे हो गए, पूरे जो चीज है रोड रास्ते जो है वो सारी चीजें आपने सॉल्व कर दी। रही बात पानी की, तो पानी का कैसे क्या इश्यूज है वहाँ पर? पानी का तो पहले था इश्यूज, अभी नहीं है इश्यू, क्योंकि हमने 24/7 पे इसका काम किया है और 70% हमारा प्रभाग 24/7 हो गया है पानी का जी, कुछ भाग में हुआ, कुछ भाग होने का है। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका प्रभाग कहाँ से कहाँ तक आता है, पर्टिकुलर आप कितने एरिया में काम करती है? हमारा प्रभाग आता है शांति नगर से
शांति नगर कावड़ापेट से उत्तर में, उत्तर में जाता है, उत्तर में भीटा भट्टी चौक तक हमारा वो पूरा प्रभाग है ऐसा। तो ये तो काफी लंबा हो गया, ऐसे में आप हैंडल कर लेती है सारी चीजें? हाँ हैंडल कर लेती है, लेकिन हमको ऐसे चार नगर से कहीं हम बाकी जो तीन नगर सेवक है वो वहाँ उधर काम, मतलब जनता को ज्यादा समस्याएं नहीं होती है क्योंकि आप लोगों ने अपना काम जो है वो बांट लिया इसी तरीके से। हम ये बताइए कि अभी हाल ही के दिनों में हमें पता है कि जैसे फ्लाईओवर बन रहा है कलमना चौक के जो है रेलवे क्रॉसिंग से, तो लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है बिकॉज वहां पर एक आश्रम भी है, कुत्ते वाले बाबा का आश्रम है, तो वहाँ एक्सीडेंटल जो चीजें हो रही है बहुत हो रही है। और हमने देखा कि वहाँ बोर्ड भी नहीं है, वर्क इन प्रोसेस का जो बोर्ड होता है वो भी नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय योजना है? अभी गडकरी साहब के माध्यम से हमने वहाँ पे, उन्होंने 350 करोड़ निधि दिया है जी, उस माध्यम से अभी जो कलमना और कावड़ापेट का जो ओवर ब्रिज है जी और अंडर ब्रिज, ये दोनों के भी काम वहाँ पे चालू है, तो अभी प्रोसेस चालू है, तो अभी आगे चल के वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे जो दो रेलवे क्रॉसिंग है उसमें से वहाँ पे बहुत लोगों को एक एक घंटा रुकना पड़ता था जी, अभी वो प्रॉब्लम नहीं होगा, ओवरब्रिज होने के बाद 1-1.5 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा काम और लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैम एक हमारे दर्शकों में से कोई नागरिक है, उनकी कंप्लेन आई है कि वहां पर जो है वो इस टाइप की चीजें होनी चाहिए, मतलब कैसा है, एक बोर्ड लगना चाहिए, बैरिकेड्स लगना चाहिए वहां पर कि यहाँ जो है ना जाए, क्योंकि अक्सर मैं भी अगर उस रास्ते से जाती हूँ तो मैंने देखा है कि वहां पर किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन वॉल नहीं है, बैरिकेड्स नहीं है कि आपको बता सके कि यहाँ पर जो है वो काम चालू है। तो आपको नहीं लगता कि रेलवे प्रशासन की ओर से कुछ बोर्ड्स लगने चाहिए ताकि दुर्घटना ना घटे? तो एक नगर सेवक होने के नाते ये मैसेज है हमारा, हमें ऑडियंस की तरफ से आया है कि इस तरह की चीजें ना हो करके। तो चाहते हैं कि मैम इस तरह की बातें आप ध्यान रखें। और दूसरी चीज की हमने सुना है कि कोरोना काल में भी आपने अपनी सेफ्टी का ध्यान न रखते हुए बहुत से विकास के काम किए हैं, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने कोरोना काल में की हैं? कोरोना काल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को तब खाने की दिक्कत थी, तो हमारे जो हमारे जो आमदार है कृष्णा खोपड़े जी, उनके माध्यम से एक पूर्व नागपुर में किचन चालू था और वो कंटिन्यू 2 महीने था किचन, और वहां पे 7,000-8,000 लोगों के लिए खाना बनता था, और हम वो टिफिन पैक करने के लिए वहां जाते थे, और फिर सब लोग अपने 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 विभाग में जहाँ जहाँ खाने की दिक्कतें होती है लोगों को वहाँ पे हम वो टिफिन पहुँचाते थे जी। और हमने कोरोना काल में किट भी बांटी है लोगों को घर घर जाके, दवाई की किट भी और खाने की किट भी पूरी, अच्छा खाने की किट भी पूरी सामग्री की पूरी किट भी बांटी है हमने, और उनका जो जो उनकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करने का हमने पूरे पूरा प्रयत्न। मैम जहाँ तक हमने इंक्वायरी निकाली है तो कोरोना काल में आपका जो कार्य है वो वाकई में बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हुआ कि 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल तो कोरोना की भेंट चढ़ गया, मिले आपको बच्चे के 2.5 साल। तो आप बताइए कि आने वाले दिनों में अगर एक बार फिर आपको जनता मौका देती है तो आप ऐसे कौन से काम करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके प्रभाग में जो बाकी काम बचे है, यानी जो रोड के काम बचे है वो कम्प्लीट करूंगी, और आगे चल के जो लोगों को जो दिक्कतें होती है, राशन कार्ड है या कोई समस्या है, वो सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करूंगी। चलिए मैम आपके लिए भावी जीवन और एक बार फिर आपको जनता जो है वो नगर सेविका के लिए चुन कर आए, इसके लिए हमारे तरफ से और हमारे पूरी बीसीएन की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों इन बीसीएन की खास मुलाकात नगर सेवक आपके द्वार इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई थी प्रभाग क्रमांक 5 से नगर सेविका अभिरुचि राजगिरी मैम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नगर सेवक आपके द्वार इस कार्यक्रम में आपके प्रभाग के नगर सेवक को लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी कि रूपा पंडित को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इनबीसी न्यूज। नमस्कार। झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक, आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वार्ड के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल, देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया, क्या कर सकते थे, ऐसे तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वारा।